अमन गुप्ता एक भारतीय बिजनेसमैन है जो बोट के को फाउंडर और मुख्य विपणन अधिकारी हैं। बोट एक ईयरवियर ऑडियो ब्रांड है जो हेडफोन से लेकर ट्रेवल चार्जर तक कई तरह के जो प्रोडक्ट है वो पेश करता है। अमन ने 2016 में अपने बिजनेस पार्टनर समीर मेहता के साथ मिलकर कंपनी की शुरुआत की थी। आज यह भारत में अग्रणी ईयरवियर कंपनियों में से एक है जिनकी बिक्री 1000 करोड़ रुपये से भी अधिक है। बोट से पहले अमन गुप्ता ने कई कंपनियों में काम किया और अंत में उद्यमशीलता की दुनिया में प्रवेश किया। अमन गुप्ता भी शार्क टैंक इंडिया के निवेशक में से एक है और पेश है उनकी सक्सेस स्टोरी। इनकी शुरुआती जिंदगी। अमन गुप्ता का जन्म 1982 में दिल्ली में हुआ और उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा दिल्ली के पब्लिक स्कूल आर के पुरम से की। बाद में अमन गुप्ता ने दिल्ली विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक की डिग्री हासिल की। उद्यमी होने के साथ साथ वह एक चार्टर अकाउंटेंट भी है। 1999 से 2000 तक उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया में अध्ययन किया जहां उन्होंने अकाउंटिंग और फाइनेंस में विशेषज्ञता हासिल की। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अमन गुप्ता ने 2 साल तक सिटी बैंक में असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर काम किया। बिजनेस की दुनिया में अमन गुप्ता की यात्रा 2005 से शुरू हुई जब उन्होंने एडवांस टेलीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड लॉन्च किया। एडवांस टेलीमीडिया में उन्होंने भारतीय बाजार में कई वैश्विक ब्रांड जैसे बिट्स ऑडियो, सेनहाइजर, टेलेक्स और अन्य को लॉन्च करने में मदद की। बाद में 2011 में अमन गुप्ता ने KPMG के स्ट्रेटजी सर्विसेज ग्रुप में एक वरिष्ठ प्रबंधक सलाहकार के रूप में काम किया। उसी वर्ष उन्होंने केलोंग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स पूरा किया। इसके बाद उन्होंने हरमन इंटरनेशनल में बिक्री निदेशक के रूप में भी काम किया जहां उन्होंने भारतीय बाजार में एप्पल, नोकिया और माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांडों के व्यवसाय विकास का नेतृत्व किया। अंत में 2016 में उन्होंने समीर मेहता के साथ मिलकर बोट को लॉन्च किया। बोट शुरू करने से पहले 2 साल के अंदर कंपनी ने 100 करोड़ रुपये की बिक्री की। बोट के द्वारा जारी किया गया पहला उत्पाद एप्पल चार्जिंग केबल और चार्जर था। एप्पल चार्जर अमेज़न का सबसे ज़्यादा बिकने वाला उत्पाद बन गया। 2019 में इस ईयरवियर श्रेणी में अग्रणी ब्रांड में रहा। 2020 में अमन गुप्ता को कंज्यूमर ड्यूरेबल श्रेणी में एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर मिला। आज पूरे देश में कंपनी के करीब 5000 स्टोर है और वे अब तक लगभग 20 मिलियन लोगों को अपने उत्पाद बेच चुके हैं। एक इंटरव्यू में अमन गुप्ता ने कहा था कि वे पैसा कमाने में विश्वास करते हैं न कि पैसा जलाने में। पहले साल से ही कंपनी मुनाफे में ही रही। उनका मुख्य लक्ष्य टिकाऊ, किफ़ायती और स्टाइलिश उत्पाद बेचना है। 2020 में बोट दुनिया का 5वां सबसे बड़ा पहनने योग्य ब्रांड बन गया। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर में जैकलिन फर्नांडिस, KL राहुल, हार्दिक पांड्या और कई हस्तियां शामिल हैं। 5 वर्षों में अमन ने अपने बिजनेस कौशल और कड़ी मेहनत के साथ बोट को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है।